गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर 16 ऑफ जनरल नॉलेज एंड द चैप्टर्स नेम इज़ फेमस साइंटिस्ट्स। ओके, कुछ साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरीज की है उसके बारे में चैप्टर है। ओके, तो यहाँ आपको ऐसा समझना है, देखो यहाँ रोज और कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। रोज को इस चैप्टर में एक क्रॉस बोला है और कॉलम को डाउन बोला है। ओके, तो यहाँ पे कुछ हिंट दिए हुए हैं, आपको इन साइंटिस्ट के नाम बताने हैं। यहाँ पे जो डिस्कवरीज हुई हैं वो पूछा है और उनके साइंटिस्ट के लिए जो है हिंट भी दिया हुआ है, तो उनके साइंटिस्ट के नाम आपको इस बॉक्सेस में फिल करने हैं। ओके, तो इसे कैसे पूछा है ये देखो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट हु कंडक्टेड पांडरिंग रिसर्च ऑन रेडियोएक्टिविटी। तो फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट जिन्होंने रेडियोएक्टिविटी पर अग्रणी रिसर्च की थी, ठीक है, उनका नाम क्या है? मैरी क्यूरी। ओके, तो इसमें इस तरह से हिंट दिया, 5-5, इट मींस 5-5 का मतलब इसमें मैरी क्यूरी में 5 डिजिट मैरी में है, क्यूरी में भी 5 डिजिट है, इसलिए 5-5 गिवन है, ये इसका हिंट दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ये आंसर फाइंड आउट करना था, तो आंसर तो मैंने लिख दिया मैरी क्यूरी। अब मैरी क्यूरी जो है फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, तो इस तरह से अब ये डाउन है, ठीक है। डाउन है मींस इसको ऐसे फिल करना होगा, ठीक है, इसको कॉलम में फिल करना होगा। डाउन मींस कॉलम समझो, जो डाउन में, तो इसे मैरी क्यूरी यहाँ पर लिख दिया, MARIECURIE। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये है, अक्रॉस में है, अक्रॉस मींस रो में है, ठीक है। सेकेंड है, डिस्कवर द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। वो साइंटिस्ट का नाम बताना जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डाई मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोलिसिस की डिस्कवरी की थी, वो कौन है? माइकल फैराडे हैं। ओके, माइकल फैराडे ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये 7-7 हिंट दिया है, यानी माइकल में भी 7 अल्फ़ाबेट हैं, फैराडे में भी 7 अल्फ़ाबेट हैं। ओके, इसे ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 में इसको एक क्रॉस में फिल करना है, एक क्रॉस मीन्स रो में फिल करना है, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, माइकल फैराडे। ओके, नाउ थर्ड, फार्मूलेटेड द लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिन्होंने मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉज को फॉर्मुलेट किया था, मतलब उन्होंने दिया था, उनका नाम है इसाक न्यूटन। ओके, थर्ड कहाँ पे है? थर्ड ये है, इसे डाउन लिखना है, ये डाउन में है, ठीक है, डाउन मीन्स कॉलम में लिखना है, इसाक न्यूटन, यहाँ पे बॉक्सेस में फिल कर दिया। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज यानी डिस्कवरी जो इन्होंने की थी वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फोर्थ कहाँ पे है? ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो डाउन में फिल कर दिया। ओके, फिफ्थ है, डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने डेवलप किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने डेवलप किया था। फिफ्थ कहाँ पे है? फिफ्थ ये है, और एक क्रॉस में फिल करना है आपको, एक क्रॉस मीन्स रोज में फिल करना है, तो ये है फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे फिल कर दिया। सिक्स है, द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, ठीक है, ये थॉमस एडिशन के द्वारा डिस्कवर हुआ था। तो सिक्स कहाँ पे है? सिक्स ये है, और इसको डाउन में फिल करना है, तो थॉमस एडिशन ये है। ओके, नाउ सेवन्थ, कंट्रीब्यूटेड टू द डिज़ाइन ऑफ द मॉडर्न अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम। ओके, तो मॉडर्न अल्टरनेटिंग करंट इट मींस एसी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम की जो जिन्होंने को डिज़ाइन करने में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, अपना योगदान दिया था, उनका नाम है निकोला टेस्ला। ओके, सेवन्थ कहाँ पे? सेवन्थ ये है। ओके, इसको डाउन में फिल करना है, देखो डाउन में, यहाँ से यह निकोला टेस्ला फिल कर दिया। ओके, एट्थ, मेड ऑब्जर्वेशंस दैट लेट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में के फाउंडेशन में, यानी जिसकी नींव रखने में, यानी कहने का मतलब जिसका बेस तैयार करने में जिन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, रिसर्च किया है, उनका नाम है गैलीलियो।
एट्थ कहाँ पे है, ये जो है गैलीलियो, और क्रॉस में फिल करना है इसको फिल कर दिया, ठीक है। नाइन्थ है रिसीव्ड द नोबल प्राइज फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द क्वांटम, इनको एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम के लिए नोबल प्राइज मिला था, इनका नाम है नील्स बोर, ओके, कि नील्स बोर अक्रॉस में फिल कर दिया, ओके। इसी तरह से इसे सॉल्व करना है, इन इस एक्सरसाइज को इस तरह से कंप्लीट करना है, ओके क्लास। नेक्स्ट है चैप्टर 17, चैप्टर 17 है, ये कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स हैं, इसके बारे में ये चैप्टर है, ओके। चैप्टर्स नेम इज़ इनसाइड द इंटरनेट, इट मीन्स इंटरनेट के अंदर, ठीक है। चैप्टर 17 फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है सारे। ए डैश इज़ द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ ए वेबलॉग, वेबलॉग का शॉर्ट एंड फॉर्म क्या है, ब्लॉग, ओके। अ ब्लॉग इज़ द शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ ए वेबलॉग। सेकेंड है टू डैश मीन्स टू कॉपी डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ करके वन कंप्यूटर सिस्टम से अनदर दूसरे पर डाटा को कॉपी करने को क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग, ओके। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग फिल कर देंगे। थर्ड द यूनिक एड्रेस ऑफ एनी वेब डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इट्स URL, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का जो यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, URL, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये URL है, ठीक है, किसी भी वेब कोई भी डॉक्यूमेंट आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, तो उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं, उसको बोलते हैं URL। नेक्स्ट है ये साइन है, साइन इज़ यूज इन द ईमेल एड्रेस बिटवीन द यूज़र्स नेम एंड डोमेन नेम, यूज़र्स नेम और डोमेन नेम के बीच में जो साइन यूज किया जाता है उसको बोलते हैं @, ओके, ये साइन है। टू सर्फ मीन्स टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर कि एक साइड से दूसरे साइड पर जाने के लिए, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट से जाने को क्या बोलते हैं, सर्फ या सर्फिंग, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सर्फ फिल कर दिया। सिक्स है अ ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, अ ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स यू टू व्यू वेब पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट, एक ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपको इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे वेब पेज को देखने के लिए और अदर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए इंटरनेट की हेल्प से अदर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेवन्थ है www इज इन अ URL स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। www का मीनिंग क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका फुल फॉर्म होता है किसी URL में, ओके। एट्थ है इन ब्राउजर्स कैच इज यूज टू आइडेंटिफाई स्पेस वेयर द वेब पेजेस दैट यू हैव विजिटेड और स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर, ओके। कैच एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे कोई भी जो आपने स्टोर किया, जो आपने विजिट किया है, जिस वेब पेज को विजिट किया है वो वहाँ पे जाके होता है स्टोर होता है, ओके। नाउ चैप्टर 18, चैप्टर 18 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इस चैप्टर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, ओके। देखो यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, जिसका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, सपोज़ किया वो माइक्रोस्कोप है, तो इसको क्या कहते हैं, डिसअरेंज करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उसको अरेंज करके यहाँ पे लिखना है कि ये हिंट की तरह है, ठीक है। ये पूछा क्या है, आ डैश इज़ यूज टू वीव वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज प्लांट्स और एनिमल सेल्स, प्लांट और एनिमल सेल जैसे बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है ऐसा करने के लिए, तो माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे माइक्रोस्कोप हमने फिल कर दिया, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे हिंट भी गिवन है,
ये इसको इधर उधर करके रैंडम वे में लिखा हुआ है, तो इसको ये इसके लिए हिंट है, ठीक है ये माइक्रोस्कोप ही है, ठीक है इसको क्या कहते हैं अरेंज करके यहाँ पर लिखना होगा। सेकंड है, इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वैक, अर्थक्वैक के मैग्नीट्यूड को, यानी अर्थक्वैक को मेज़र करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए, उसे नापने के लिए अर्थक्वैक कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वैक आया है, इसे मेज़र और रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो है सीस्मोग्राफ, ठीक है तो सीस्मोग्राफ यहाँ फिल कर दिया। थर्ड है, इज़ अ स्केल ऑफ हार्डनेस दैट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द स्क्रैच रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल्स, मोहर स्केल होती है, यहाँ पे इसको शॉर्ट में ऐसा ही लिखते हैं मोज स्केल, ठीक है ये एक तरह की स्केल होती है जिसपे क्या कहते हैं किसी मटेरियल की स्क्रैच रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, मिनरल ऐसे मिनरल जिनमें क्या कहते हैं स्क्रैचेस नहीं लग सकते हैं, तो उनको टेस्ट करने के लिए, उनकी हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए इस स्केल का यूज करते हैं, ठीक है मोहर्स स्केल। एंड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू लुक इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर देख सकता है, उसको क्या बोलते हैं एंडोस्कोप, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका क्या नाम है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। सिक्स है, इज़ अ डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली रेगुलेट टेम्परेचर इज इन सर्टन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, एक ऐसी डिवाइस जिससे जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में टेम्परेचर को वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर लेता है, यानी कम ज़्यादा कर लेता है, वो डिवाइस क्या होती है थर्मोस्टैट, ठीक है ये डोमेस्टिक पर्पज से भी यूज होती है। सेवन्थ है, इज़ अ मशीन यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली जो मशीन होती है जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं डायनमो, तो यहाँ पे डायनमो फिल करना होगा। एट्थ है, इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोरकास्टिंग द वेदर एंड फॉर मेजरिंग अल्टीट्यूड्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए और वेदर यानी मौसम कैसा है उसको फोरकास्ट करने के लिए, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए और अल्टीट्यूड यानी ऊंचाइयों को नापने के लिए यूज होता है, और दैट्स नेम इज़ बैरोमीटर। ओके तो बैरोमीटर यहाँ फिल करना होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर 18 तक कंप्लीट हो गया। ओके इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पीडीएफ में एक्सप्लेन करूँगा। ओके थैंक यू क्लास।